श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब हमारे भारत देश में भी जो रेलगाड़ियाँ चलेंगी वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है बाहर की कंपनियाँ एप्पल एप्पल टेक जैसी कंपनियाँ। और आप जल्द ही देश में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन में सफ़र करेंगे। अब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रेल मंत्रालय करना चाहती है और उसके लिए भारतीय रेलवे एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर एक नज़र डाल रही है और इसके लिए एप्पल जैसी वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। नीति आयोग ने दो व्यस्ततम गलियारे जो हमारा दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता है इन मार्गों पर गतिमान एक्सप्रेस की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाएगी। आप खुद से इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इस यात्रा में आपका कितना समय बच जाएगा। भविष्य की योजना के बारे में जो हमारी सरकार है उन्होंने कहा है कि 6-8 महीने पहले ट्रेनों की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक करने की दिशा में काम करने के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को बुलाया था। हमारा देश एप्पल जैसी कंपनियों के साथ पहले से बातचीत कर रहे हैं और देश में टेक्नोलॉजी आयात नहीं किया जाएगा बल्कि उसका यहाँ विकास किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनज़र भी भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ऐसे डब्बों के उपयोग की योजना बना रहा है जो अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए रेल में टूट फूट का पता लगा सके। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।